हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। 10th क्लास के बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, ठीक है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। देखिए लिखिए जी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहचान क्या है, तो ये इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिखे ना, तो हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या है, ये एक्स जो है मेरा वेरिएबल है और ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, इसी से नाम पड़ा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, ठीक है, और यहां पे क्या है, x का मैक्सिमम, x का पावर 1 है। तो एक बात देख, यहां पे कंडीशन देना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहे कोई भी इक्वेशन, तो हम लोग कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस देना पड़ेगा, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पे देख, आप बोलोगे सर ए नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों मेंशन किया, तो यहां पे अगर ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो दैट मींस 0 इनटू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये 0 में कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको 0 कर देगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस c equals to 0। तो ये देख, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा ही नहीं, x का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देख यहां पे इसीलिए मैं मेंशन किया कि a not equals to 0। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये है, ये आप लोग याद रख लो, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेयर x क्या है, x क्या है, x वेरिएबल है, देखो इस फॉर्म में है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये भी तो, देखो मैं कुछ दे रहा हूं एग्जांपल, आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म है या नहीं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, पहला एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देखिए आगे, ये फर्स्ट वन दिया, सेकेंड वन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर देखा जाए तो रूट x है, दैट मींस x का पावर क्या है, हाफ है, और यहाँ पे क्या है, x का पावर हमेशा ये फॉर्म में होना चाहिए, कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए पावर, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे देख x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद क्या, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देख c में कुछ नहीं है, दैट मींस यहाँ पे यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि x का पावर 0 है। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहे तो हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म है, ठीक है। सर ये थर्ड वन एग्जांपल ले लो, x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये बता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले तो देखने से लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप लोग कैसे करोगे, देख ये है या नहीं है, कुछ जनरलाइज करते हैं हम, यहां से x क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1, ये 2x इक्वल्स टू 0, आप देख क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हां सर
ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख सेम फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पे तो पहले लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ कुछ जनरलाइज करने से हम लोग पता कर लिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो कोई भी चीजों को पहले नहीं बोल देना है, कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट रहे तो कैलकुलेशन करके भी देखना है, इसी तरह पहचान करना है। ठीक है, आप देख इस फॉर्म में अगर दिख गया ना, इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है। देख यहां पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहचान हम लोग कर लेंगे। यहां पे देख तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये याद रख ले हमेशा। क्या ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देख मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये एग्जांपल दिया। तो इसको मैं बोला कि x का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 2 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे x का रूट निकालने के लिए कि x का वैल्यू निकालने के लिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए दो तरीका है, तो टू मेथड है। पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा उसका रूट x का फॉर्मूला जो है उस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देख फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे, हम लोगों को मालूम है, इससे पहले भी हम लोग पहले के क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में समझते हैं, समझे हुए हैं कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए बोलता तो डायरेक्टली ये क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये होता है कि नहीं होता है, फैक्टराइजेशन हम लोग कर दिए। यहाँ से x कॉमन ले लिए x माइनस थ्री, यहाँ से टू माइनस टू कॉमन x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या होगा x माइनस थ्री और x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू टू कॉमन थ्री मेरा आंसर आ गया। देख तो ये क्या है मेरा, कौन सा मेथड है, ये मेरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम लोग कौन सा मेथड से हम लोग सॉल्व किए, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये याद रखना। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हम लोग का देख एक फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मिलता होगा। देख यहाँ पे x का पावर क्या है, मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो इसका x का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 2 होगा। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू कितना मिला था, 2 मिला था। अगर यहाँ पे x का पावर 3 रहता, x 3 2x x स्क्वायर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाता, क्यूबिक इक्वेशन हो जाता, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, x का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, कितना है, 3 है, और 3 होता तो उसका कितना सॉल्यूशन होता, x का कितना वैल्यू पॉसिबल था, x का 3 वैल्यू पॉसिबल था, a b और c, 3 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो जितना पावर मैक्सिमम पावर उतना वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो वो कितना वैल्यू देगा, मुझे हमेशा 2 वैल्यू देगा। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूला देखिए, जानते होंगे रूट निकालना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये आप लोगों को मालूम है कि ये आया कहां से, कहां से आया, ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म है। ठीक है, और ये x, ये क्या है, रूट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बने तो इसमें हमें ये फॉर्मूला का यूज करके करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये फॉर्मूला के बारे में समझते हैं कि ये आया कहां से। ठीक है, इसी को हम लोग जनरलाइज करके ये फॉर्मूला इतना लेके आएंगे। ठीक है, तो आइए यहां पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
a not equals to 0 ये mention करना पड़ेगा, a comma b comma c belongs to real number, ये आपको mention करना पड़ेगा। यहाँ पे देख, यहाँ पे d का value, discriminant, d क्या होता है discriminant, okay, discriminant equals to होता है b square minus 4ac, b square minus 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं discriminant, okay, discriminant, okay, तो यहाँ पे आइए, देखिए हमको क्या प्रूफ करना था, ये फॉर्मूला मुझे प्रूफ करना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ओके, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये हमको रटने के लिए बोला जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कहां से आया, ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आपका कहां से आया है, ये क्या है मेरा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, b square minus 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं discriminant बोलते हैं। आइए यहां से हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो यहां पे देख तो क्या है a, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म से ही हम फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, ठीक है, यहां इतना लाके दिखाएंगे आपको, आप लोग देखते रहिए कैसे आता है, तो यहां से हम a कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा x square, ये क्या होगा b by ax plus c by a equals to zero, देख a अगर कॉमन ले लेंगे हम यहां से, a अगर कॉमन ले लेंगे तो ये इतना होगा ना, वहीं पे किसी को दिक्कत नहीं, a इधर लेके गए तो ये जीरो से डिवाइड हो जाएगा, जीरो में किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा मुझे जीरो ही देगा, तो यहां से समझिए ये क्या आया x square, ठीक है, यहां पे देख x square ये क्या होगा b by ए एक्स सी बाई ए इक्वल्स टू जीरो, ओके जीरो हो गया। अब यहां पे देख तो हम एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या करेंगे हम देख प्लस टू बी बाई टू ए इंटू एक्स, देख ये हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे यहां पे बैठाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे देख 2ab, तो 2a a a तो x है और b, तो यहां पे क्या होगा b by 2a का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और ऐड कर रहे हो तो b by 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पे देख हम समझा रहे हैं आपको, ये यहां पे ये समझ लिए तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। देख ये हम क्या कर रहे हैं, इसको हम x स्क्वायर को रहने दिए, प्लस ये b by a था, तो b by a तो हम 2ab के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो देख तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये b by 2a हो जाएगा, फाइनली करते तो b by a into x ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो इतना के बदला में मैं इतना लिख सकता हूं, नहीं इतना के बदला में सेम लिख सकता हूं, और यहां पे देखें हम देख 2ab, तो a a के जगह पे x है ही और b नहीं है मेरे पास, तो b मैं एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, b by 2a का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। आप अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस भी करना पड़ेगा ना, माइनस भी करना पड़ेगा, तो इतना के बदला में हम लिख लिया और एक छूट गया है क्या, प्लस c by a equals to 0, ठीक है, तो यहां पे देख तो बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, इतना के बदले में ये क्या है, इतना के बदले में देख a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है ना सबको, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो देख तो ये इसी फॉर्मूला से हम लोग ये लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और ये माइनस b by 2a है इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो प्लस b by 2a हो जाएगा, तो एक बार मैं लिख देता हूँ b square by 4a square, ओके, अब प्लस ये इधर प्लस c by a है तो इधर इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो
माइनस सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। आप देख यहां तक हम लोग आ गए, यहां तक हम लोग आ गए, यहां से 4a स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे ना इसको, तो 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे। तो यहां पे देख, यहां पे देख 4a स्क्वायर एलसीएम लिए हम, ठीक है, तो यहां पे क्या बचा, b स्क्वायर माइनस 4ac बचा, b स्क्वायर माइनस 4ac बचा, ठीक है। तो यहां ये इस लाइन में देखो आप, इस लाइन में देखो आप, तो यहां पे मैं ऊपर में डिलीट कर देता हूं, तो देखिए, तो देखिए अपने पास क्या आ गया, x प्लस b बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा कि नहीं रूट हो जाएगा, ये होल स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, याद रख, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होता है कि नहीं, जैसे कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस माइनस रूट ओवर 4 होता है कि नहीं। तो सेम फंडा मैंने यहां पे अप्लाई किया, किसी को दिक्कत नहीं ना। आप देखिए यहां पे हम लोग क्या देख, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं, इसको डिलीट कर दे यहां, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं x प्लस b by 2a, ठीक है, इक्वल्स टू ये देख प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका रूट ओवर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई 2a होगा कि नहीं, 2a होगा ना। आप देख ये क्या है, प्लस b by 2a को हम इधर है इक्वल्स टू के इस साइड प्लस है तो इधर भेज दे रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली मेरा क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देख आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं। तो हम लोग पहले जो रट्टा मारते थे, क्या करते थे, रट्टा मारते थे, अब तो मुझे मिल गया ना, अब तो मिल गया ना। तो देख रखने का कोई जरूरी नहीं है, हम लोग कहां से सेम टू सेम आया कि नहीं आया, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग, ये x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। आप देख x की कितने वैल्यू होंगे, तो एक बार प्लस वाला लेंगे, मैं बोला था मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 2 है, तो x का वैल्यू अगर प्लस वाला लेंगे तो एक वैल्यू आएगा, और माइनस वाला लेंगे तो एक वैल्यू आएगा, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन से आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रख लो कि ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लो, ठीक है, याद रख लो, ठीक है। आप देख हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूप होंगे, दो रूप होंगे, एक तो अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो अल्फा जो होता है वो प्लस वाला होता है, ठीक है। तो यहां पे देख ये जो आया मेरा, इसको हम थोड़ा जनरलाइज करने का कोशिश करते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी, ठीक है, प्लस वाला, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, याद रखना, ठीक है, ठीक है। और कितने बुक में आपको यहां पे ये देख माइनस बी प्लस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो डी बोलते हैं ना, तो रूट ओवर डी बाई 2a, तो सिंपली ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू आपको समझ में आ गया, अल्फा का वैल्यू निकालना। आप देख बीटा माइनस वाला क्या होता है, मेरा बीटा होता है, तो बीटा निकालना है तो माइनस वाला लेके चलते हैं, तो माइनस बी माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहां पे ये भी लिख सकते हो सेम टू सेम, माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। तो ये देख
माइनस वाला मेरा बीटा हो गया, प्लस वाला अल्फा हो गया, ठीक है। अब देख यहां पे एक बात याद रखना कि समेशन ऑफ टू रूट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई के होता है। आप लोग निकालोगे भी तो आप लोग ये दोनों को ऐड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाय। तो आइए देखिए, अल्फा का वैल्यू मैं बता दिया था कि प्लस वाला क्या होता है अल्फा होता है और माइनस वाला क्या होता है बीटा होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट, टू रूट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सम ऑफ रूट, ठीक है। तो अगर मैं आपको अल्फा दिया हूं बीटा दिया हूं तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करके आप लोग देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। देखना आप लोग इस दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी तो माइनस टू बी हो गया बाई टू ए, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करके भी देख लेना। आप देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है सी बाई ए। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमेशा दो, ये इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ रूट्स तो क्या बोलोगे आप, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बोलोगे सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि दो रूट्स का समेशन क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ओके। हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ओके, रूट्स का नेचर, ठीक है। तो यहां से जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और यहां पे मेंशन करना पड़ेगा आपको ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर, ये मेंशन कर दिए। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। जब भी कोई जनरल फॉर्म लिखने के लिए बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो ये याद रखना है, ठीक है। यहां से देख b का वैल्यू मैं क्या बोला था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो हमको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है, तो कंडीशन नंबर एक, पॉइंट नंबर एक दीजिए। देख यहां पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूं नेचर ऑफ रूट से पहले। देख तो यहां पे x का वैल्यू मुझे मालूम है क्या, माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, d लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac को। देख b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पे मैं इसको d लिख दूं तो कोई दिक्कत, तो रूट ओवर d। तो यहां पे देखिए, यहां पे d, तो आप नेचर ऑफ रूट्स में पॉइंट नंबर 1 लिखिए, अगर d ग्रेटर देन 0, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, रूट्स का वैल्यू आएगा कुछ, ठीक है। तो यहां पे d पहला नंबर पॉइंट में, d अगर ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये लिख लो पहला पॉइंट, अगर d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड नंबर पॉइंट लिखिए आप लोग, अगर d इक्वल्स टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देख d अगर जीरो हो जाएगा तो रूट्स में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जीरो हो जाएगा तो फाइनली ये क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए, तो ये क्या होगा वैल्यू, हमेशा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। और थर्ड नंबर पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा, आप पहले नोट कर लो इसको, d less than 0, तो d less than 0 that means d minus 1, अगर less than 0 तो minus 1, तो रूट के अंदर में माइनस आ जाए तो आपको मैं आगे के क्लास में ये आपको पढ़ना है, ये यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो देन
देन रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी ठीक है, नॉट रियल ठीक है। तो यहां पे देख कंडीशन में दो दो तीन कंडीशन यहां पे लिखा है कि डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ओके डी इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। तो चलिए हम एग्जांपल देते हैं आपको और उसमें आपको पता करना है कि किसका रूट नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देख एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, पहला एग्जांपल ठीक है। सेकंड नंबर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल मैं आपको लिख दे रहा हूं, थर्ड एग्जांपल x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये सभी में आपको बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं। इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें डी देखना पड़ेगा, डी देखना पड़ेगा। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, ये अगर इस फॉर्म से रिलेट करें तो यहां पे देख, ये जनरल फॉर्म से रिलेट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू अगर देख, ए का वैल्यू क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए होता है, इसके बाद x का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, और c किसका कोफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट का कोफिशिएंट होता है। देख यहां पे a b c क्या है, a यहां पे है 1, b क्या है -5, c क्या है 6। तो अपने को d निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देख b स्क्वायर क्या है, -5 का स्क्वायर -4, a की क्या है मेरा 1 into c 6 है। तो यहां से क्या आ गया 25, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 60 कितना आ गया, ये 24, तो 24 तो फाइनली d इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू 1 तो d क्या है, 1 ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देख हम रूट्स भी निकाल के बता देते हैं आपको कि सही में रूट्स आर रियल, b ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग करोगे तो x का वैल्यू x स्क्वायर माइनस क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे देख x कॉमन ले लिया x माइनस 3, यहां पे माइनस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आया। तो यहां पे देख x इक्वल टू 2, 3 आया, तो रूट्स इसी को हम लोग बोलते हैं ना रूट्स, ये एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। तो देख रूट्स ये क्या है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर है ना, और 2, 3 आपस में तो ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ओके। आप सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर यहां से देख, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर एग्जांपल मेरा हो गया, सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स ए कितना है यहां पे बोल दो, 1 है, बी कितना है 4 है, और सी कितना है 4 है, तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 4 a क्या, 1 इनटू c4, तो यहां पे 16 माइनस 16 तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो d अगर 0 होगा देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से देख x का वैल्यू x स्क्वायर माइनस ये आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो -2x और +4 इक्वल्स टू 0, तो यहां से देख x कॉमन ले लेते हूं, x कॉमन ले लीजिएगा ना आप लोग, तो x -2 यहां पे -2 x -2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से देख तो x -2 और x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 2,
टू आया, टू कॉमा टू आया। तो रूट्स अगर d का वैल्यू जीरो हो तो रूट्स आर रियल तो है ही टू लेकिन इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, जब d क्या होगा लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा तब क्या होगा मेरा, ठीक है। तो आइए लास्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए देखिए, ए वन है क्वेश्चन है मेरा, ए वन है, बी वन है, सी वन है, ठीक है। तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है वन इंटू वन, तो ये क्या आ गया माइनस थ्री, तो बी क्या है लेस देन जीरो, तो क्या होगा रूट्स आर इमेजिनरी, ये रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। तो आप लोग समझ गए रूट्स आर इमेजिनरी, ओके, रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ रूट, फॉर्मेशन ऑफ रूट, ओके, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, जैसे कि देखो यहां पे मैं दे दिया था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x का वैल्यू 2.2 दे दिया था। लेकिन अब मैं क्या करना करने जा रहा हूं, आपसे क्या पूछने जा रहा हूं, x का वैल्यू मैं दे देता हूं 2.3, 2.3 x का वैल्यू मैं दे दूंगा 1.2 और बोलूंगा कि इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ, इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ। तो देखो इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना आसान है, हम लोग सीख गए हैं, लेकिन जब x का वैल्यू दिया रहेगा तो हमें कैसे निकालना है इक्वेशन। तो देख इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग कंफ्यूजन में है, ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है 2.3, तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है देख, जनरल फॉर्म क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये जनरल फॉर्म है, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सी रियल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए कॉमन ले लेंगे और देख एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बी बाई ए एक्स होगा, यहां से कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा सी बाई ए इक्वल्स टू जीरो, आप क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, ये आया ना। अब एक बात यहाँ पे देख, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स लिख सकते हैं ना, माइनस बी बाई ए एक्स फिर माइनस लगा दे इसमें, माइनस लिख सकते हैं और इसको सी बाई ए रहने दे इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देख, यहाँ से क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर और ये माइनस बी बाई ए क्या होता है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है ना इंटू एक्स, और सी बाई ए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है इक्वल्स टू जीरो। तो यही मेरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो आपको बोले थे हम क्या कि मेरा एक्स का वैल्यू 2.3 है, 2.3 है, तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा 2 है बीटा 3 है, तो इसमें पुट कर दोगे आराम से निकल जाएगा मेरा इक्वेशन, ठीक है इक्वेशन निकल जाएगा। आप निकालना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा, देख कैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो रहने देते हैं एक्स स्क्वायर, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करने से 5x आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है इक्वल्स टू 0, ठीक है देख। तो हम लोग कर लिए ना, ठीक है। इसी टाइप पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन देख आपको मैं दे दूंगा, क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन लिख ले एक्स का वैल्यू 1.5 है इसका इक्वेशन निकालने के लिए पहला, ठीक है सेकेंड वन एक्स का वैल्यू 2.1/3 है इसका वैल्यू निकाल के इसका इक्वेशन निकाल के आना, थर्ड वन एक्स का वैल्यू 1 है और ये 1/5 है इसका निकाल के आना, फोर्थ वन एक्स का वैल्यू 1/5 है और ये 5 है, तो इसका इक्वेशन सबका इक्वेशन लिख के आना, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही तक कंप्लीट करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।